देश में आजकल ऑफिस के वर्किंग आवर को लेकर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने का समर्थन किया है, तो वहीं एक तबका उनके इस बयान से असहमत दिखा है। देश में वर्किंग आवर को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच IBA ने एक हैरान करने वाला प्रस्ताव रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हफ्ते में 70 घंटे काम की चर्चा के बीच बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल जल्द ही उन्हें हफ्ते में 5 दिन काम, 2 दिन आराम और सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। IBA ने बैंकों के मुनाफे को देखते हुए इस ओर कदम बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि बैंक एसोसिएशन की तरफ से ऐसी मांग लंबे समय से की जा रही है। IBA की ओर से 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूनियन दूसरे बदलावों से ज्यादा बढ़ोतरी की मांग कर रही है। PNB जैसे कुछ बैंकों ने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि सैलरी बढ़ोतरी की मांग उठ क्यों रही है। IBA का तर्क है कि बैंकों ने हाल के वर्षों में मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी की है, बैंक के कर्मचारियों ने कोविड के दौरान बेहतर काम किया और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैंडर को पटरी पर लाने के लिए जो प्रस्ताव किए उसको देखते हुए उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे सभी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।